देखो एक विद्युत क्षेत्र है ये ई, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब कहीं ज्यादा कम नहीं है। और इस विद्रुव में इसमें एक विद्रुव रखा गया है, ये मतलब विद्युत क्षेत्र है, इसमें एक विद्रुव रखा गया है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू। और ये विद्रुव जो है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है, ठीक, इतना ठीक है। यस सर। अब बताओ इसको कितना बल आघूर्ण लगेगा, इससे बल आघूर्ण कितना लगेगा टाउ, कल पढ़े थे पी ठीक। अब ये बताओ कार का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कार का फॉर्मूला होता है एफ बल गुणे विस्थापन डीएफ, बोलो। तो अगर छोटा सा कार निकालना हो डी डब्ल्यू तो उसका फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, सही है। अब मान लो, ध्यान देना, अब मान लो ये कार्य विस्थापन वाला ना होकर घुमाने वाला हो, जैसे इसको घुमाना है ना, इसको आगे तो ले नहीं जाना है, इसको यहीं पर घुमाना है, तो मान लो इसको डी थीटा कोण घुमाना है, कितना कोण, कितना कोण घुमाना है डी थीटा, तो डी थीटा कोण अगर घुमाना है तो उसका जो फॉर्मूला होगा, पहली बात तो ये कि जहां पर ये विस्थापन है डीएस यहां तो हो जाएगा डी थीटा, और जहां पर ये बल है इस बल की जगह हो जाएगा बल आघूर्ण टाउ, यानी कार का फॉर्मूला बल गुणे विस्थापन ना होकर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन होगा, बोले बात समझ में आई। अब इस टाउ का मान पी साइन थीटा जो आया था ये वो यहां लिख दो, पी साइन थीटा और डी थीटा, ये तुम्हारा डी डब्ल्यू आ गया, बोलो कितनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब मान लो तुमको कुल कार्य निकालना है तो टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क होता है डी डब्ल्यू का समाकलन, समाकलन माने क्या होता है जोड़ना, समाकलन माने जोड़ना। तो देखो बल आघूर्ण आया था पी साइन थीटा, कार का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, कोणीय यानी घुमाने में जो कार्य होता है उसमें बल की जगह आ जाता है बल आघूर्ण और विस्थापन की जगह आ जाता है कोणीय विस्थापन डी थीटा। तो अब हमारा जो फॉर्मूला होगा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा डी थीटा, अब इसी का समाकलन कर दो मतलब जोड़ दो तो कुल कार्य आ जाएगा टोटल वर्क बराबर समाकलन डी डब्ल्यू, ये सही है, इतना ठीक है, बोलो भाई इतना ठीक है। अब इसी में लिमिट लगा लो, डी डब्ल्यू का मान ये लिख लो तो पी ई साइन थीटा डी थीटा, और इसमें लिमिट लगा लो जहां से जहां तक घुमाना हो थीटा वन से थीटा टू, तो ये तुम्हारा कार आ गया, बोलो कार का मान समझ में आया, पी साइन थीटा डी थीटा थीटा वन से थीटा टू तक आप घुमा रहे हैं, बोलो इतना ठीक है, बोलो भाई। ये है देखो, जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ध्यान देना ये विद्युत क्षेत्र है ई, और इसमें द्विध्रुव पहले ऐसे रखा था, पहले ये जो रखा हुआ था वो थीटा वन कोण पर रखा हुआ था, अब तुमने इसे घुमा के ऐसे कर दिया तो अब इसका जो एक कोण है वो थीटा टू हो गया, बोलो। तो थीटा वन क्या है, इस द्विध्रुव का पहले वाला कोण, थीटा टू क्या है इसका बाद वाला कोण, समझ में आया। तो यहां से घुमाकर यहां तक ले गए, वही ये लिखा है थीटा वन से थीटा टू, बोलो ठीक। अब इसमें आप जानते हैं कि पीई नेतांक है, कांस्टेंट है, केवल साइन थीटा में थीटा अवेलेबल है तो साइन थीटा डी थीटा बचेगा,
अब साइन थीटा का समाकलन तुम लोग को पता ही होगा, साइन थीटा का समाकलन तो तुम सब लोग को पता होगा। चलो बताओ साइन थीटा का समाकलन, साइन थीटा का समाकलन बताओ माइनस कॉस थीटा, क्या साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, और यहां पर लिमिट थीटा वन से थीटा टू। बोलो इतना ठीक। अब देखो इसमें एक बार तुम लिखोगे पीई, एक बार यहां लिखोगे थीटा टू, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा टू, फिर ये माइनस लगाओगे जो कि फॉर्मूले में ही आता है ना माइनस, जब ये बड़ी वाली लिमिट यहां लिखते हो फिर छोटी वाली लिमिट लिखते हो बीच में माइनस लगाते हो ना, तो ये माइनस, अब ये वाला एंगल यहां लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा वन। बोलो सही है। तो अब ये कार्य आया पीई, अब ये देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पहले इसको लिख लो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो ये जो है कार्य का फॉर्मूला आ गया। कोई तो तुमसे अगर पूछे कि भैया द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य होगा, तो उसका आंसर है पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो भाई ये बात समझ में आई? हाँ yes, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि P का मान 10 है, E का मान 2 है, पहले वो 60 अंश पर था, पहले वो 60 अंश पे था, बाद में वो 90 अंश पर है, यानी थीटा 2 90 अंश है, कितना कार्य हुआ? P का मान 10, E का मान 2, 10 गुणे 2 20, cos थीटा 1, cos थीटा 1 मतलब cos 60, cos 60 का मान 1 बटे 2 माइनस cos 90 अंश का मान 0, 20 20 गुणे 1 बटे 2 कितना आया? टेन। तो 10 जूल इसका वर्क आएगा। बोलो बात समझ में आई? और अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो हम लोग द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को भी समझ सकते हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, पहले बताओ इतना समझ में आया? अरे भैया इतना समझ में आया? तो चलो बताओ कार्य का फॉर्मूला क्या है, इसको पढ़ के बताओ। इसी को पढ़ के बताओ। अरे इसको पढ़ के बताओ यार। हाँ पी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, इसमें कॉस कॉमन हो जाएगा ना, इन दोनों में कॉस है कॉमन हो जाएगा ना। अरे बोलो। अरे यार यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉस कॉमन हो जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं होता है। अरे यार कौन सी मैथ पढ़ते हो तुम लोग? अरे ये कॉस ऐसे कॉमन कर लोगे बॉल हो जाएगा ऐसे। कॉस थी हम कह नहीं रहे थे, पूछ रहे थे हमको कॉस कॉमन हो जाएगा क्या। नहीं हम कह नहीं रहे, हम कह हमने कहा कॉमन हो जाएगा ना, तो तुम लोग कह रहे हो हाँ, हम पूछ रहे थे कॉस कॉमन वन ऐसे नहीं होता है, एंगल कॉमन कर लोगे कुछ भी बवाल हो जाएगा। उसके बाद तुम कहोगे थीटा भी कॉमन कर लीजिए दोनों में है, यहाँ वन बचेगा यहाँ टू बचेगा, थीटा कॉस थीटा पूरा कॉमन कर लीजिए, यहाँ वन बचेगा यहाँ टू बचेगा, और फिर वन माइनस टू कर दीजिए माइनस वन आ जाएगा। गजब। ठीक ठीक तो इतना कार्य आया। ठीक है अब देखो कार्य का जो मान आया है, एक कार्य का फॉर्मूला और होता है। देखो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल,
ये कार्य का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मतलब सार्वभौमिक, मतलब कभी भी कार्य निकालना हो तो अंतिम स्थिति ऊर्जा में से पहले वाली घटा दो तो हमेशा कार्य आ जाएगा, ठीक है? Yes, sir. अब ध्यान देना, अभी अभी जो हम लोग कार्य निकाले उसका मान देखो ये आया PE cos ऑफ थीटा वन माइनस cos ऑफ थीटा टू, ये मान आया ना? अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान देना, PE से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ये वाला टर्म पहले लिख रहा हूं, तो माइनस cos थीटा टू पहले आएगा ना? बोलो, ये पहले आएगा ना, और प्लस PE cos थीटा वन ये बाद में आएगा। अब इसमें भी ध्यान देना, अब इसमें भी मैं यहां पर प्लस के लिखा दो बार माइनस लिख सकता हूं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत गंभीरता से देखो इस फॉर्मूले को, देखो इसको, देखो और इसको, देखो इसको, देखो पहली बात ये कि यहां पर ये जो माइनस लगा है इसकी जगह ये माइनस है। Yes, sir. इस ब्रैकेट के अंदर माइनस पीई है और कॉस है, और इसमें भी माइनस पीई कॉस है, इसमें थीटा टू है क्योंकि ये बाद का एंगल है, मतलब ये फाइनल वाला, बोलो सही? Yes, sir. और इसमें थीटा वन है पहले वाला एंगल, यानी इनिशियल प्रारंभिक कोण। तो तुम दिमाग लगाओ, कार ये भी है, कार ये भी है, तो कार बराबर होता है, एक ये मान आया एक ये मान आया। अब जरा इससे तुलना करो तो तुमको समझ में आएगा कि ये पोटेंशियल एनर्जी फाइनल ये है और ये इनिशियल वाला टर्म ये है, बोलो सही कि नहीं? Yes, sir. भाई इसकी जगह पर ये लिखा है और इसकी जगह पर ये लिखा है, है कि नहीं? और उस पर भी ध्यान दो, ये जो माइनस है, माइनस पी कॉस थीटा टू और माइनस पी कॉस थीटा वन, इसमें भी अलग केवल ही कोण वाला टर्म हो रहा है बस। तो अगर थीटा टू कोण है तो यहाँ थीटा टू लिखा है, थीटा वन है तो थीटा वन लिखा है, तो अगर थीटा कोण होता तो पोटेंशियल, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, बोलो हाँ या ना? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, बोलो हाँ या ना? तो अगर तुम ध्यान से देखो तो थीटा टू कोण पर यहाँ थीटा टू लिखा है जो कि फाइनल था, इनिशियल वाले में थीटा वन लिखा है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ थीटा कोण पर, तो क्या बताओगे? माइनस पीई कॉस थीटा, जो कोण रहेगा वही यहां लिखा रहेगा। बोलो समझ में आया? Yes, sir. तो अगर आप तुमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ थीटा कोण पर, तो क्या बताओगे? माइनस पी कॉस थीटा। अरे बोलो भाई। Yes, sir. अब इसमें एक चीज बता दो बस, ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ, ए डॉट बी का फॉर्मूला बताओ। अरे बताओ, नहीं वेक्टर ए डॉट बी, हाँ देखो जैसे लिखा है पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा है थीटा कोण पर, वो माइनस पी कॉस थीटा लिखा है ना? Yes, sir. तो अगर तुम ध्यान दो, ये जो पी है वो वेक्टर पी का मॉड है, और जो ई है वो वेक्टर ई का मॉड है, और इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है, तो इसको मैं माइनस पी डॉट ई भी तो लिख सकता हूं।
तो आज चाहे तुम अब ये बोलो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी कॉस थीटा, और चाहे ये बोलो कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पी डॉट ई। ये समझ में आया? तो चलो कुछ चीजें तुम लोग से पूछ रहा है, मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला देखो, मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, इसको देख के बताओ। इसको यहां पे कॉस थीटा का कितना मान लिखें, कॉस थीटा का मान -1 से +1 तक होता है, मुझे बताओ यहां पे क्या लिखें जिससे सबसे बड़ी वैल्यू आए। थीटा का मान मैं कितना लिखूं, कॉस थीटा का मान कितना लिखूं, -1 लिखूं कि +1, जिससे ज्यादा आए, ज्यादा सबसे ज्यादा। भाई माइनस लिखो ताकि वो प्लस हो जाए, जैसे यहां पर माइनस पी है, अब यहां -1 लिखो, मल्टीप्लाई होके प्लस पी पी आ जाएगा। बोलो समझ में आया? अब ये बताओ अगर -1 लिखे हो, कॉस थीटा की वैल्यू -1 लिखे हो, तो थीटा कितना लिखे हो, 180, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है ना, तो कॉस 180 यानी 180 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और अगर कोई पूछे तुमसे भी पोटेंशियल एनर्जी की सबसे कम वैल्यू बताओ, तो सबसे कम के लिए यहां +1 लिखोगे तो -P आएगी। अब बताओ थीटा कितना लिखे हो, इस बार थीटा बराबर 0 लिखे हो ना, ये समझ में आया? यस सर, यस सर। ठीक,